सीबीआई में जारी घमासान को लेकर पहले ही मोदी सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही थी कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर सरकार के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के बाद अब बैंक के बड़े अधिकारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके साथ कर्मचारी यूनियन ने पत्र लिखकर बैंक के कामकाज में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने दखलअंदाजी बंद नहीं की तो परिणाम बुरे होंगे। मोदी सरकार पर अक्सर आरोप लगते हैं कि उसने बैंकिंग सिस्टम का हाल बेहाल कर दिया। दोहरे नियंत्रण का हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। पिछले दिनों आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने नसीहत भी दी थी कि सरकार को आरबीआई पर पूरा नियंत्रण छोड़ देना चाहिए। इन आरोपों के बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी पूर्ण रूप से स्वायत्तता की मांग उठाकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। वहीं आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी खुलकर माना है कि बैंकिंग प्रणाली में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि उन्होंने बुरे परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। अधिकारियों के साथ साथ बैंक के कर्मचारी यूनियन ने भी चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बैंक की स्वायत्तता को खतरा पहुंचाया जा रहा है। कर्मचारियों ने डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य के बयान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि बैंकिंग सिस्टम में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर न केवल अधिकारी बल्कि डिप्टी गवर्नर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच तनातनी की खबरें भी सामने आ रही है। सरकार और आरबीआई के बीच इस खटपट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट किया था कि यह अच्छा है कि आखिरकार पटेल आरबीआई को मिस्टर 56 से बचा रहे हैं। कभी नहीं से विलंब बेहतर, भारत भाजपा आरएसएस को हमारी संस्थाओं पर कब्जा नहीं करने देगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।